हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा मैं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही जल्द SSR AA के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए हम सामने प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का। जैसा कि आप फ्रेंड्स चाह रहे थे कि इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, तो इंग्लिश में ही लेके आए आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर करने से स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, जो गाइस में नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए गाइस। तो देखिए गाइस, फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बात कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है आपको पैराबोला की, लेकिन उसने क्या कहा है, सिमेट्रिक। मतलब किसके सिमेट्रिक करनी है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बात कर रहा है गाइस। तो देखिए, इधर कौन साइडिंग के ऊपर बात कर रहा है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा था गाइस, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। इस तरीके से लिखेंगे और इसका डबल बार हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो डबल बार डिफरेंशियल कर लीजिए, या फिर हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 4x, और ये हो गया 4ah माइनस का गाइस, ये माइनस का होगा। तो ये तो क्या कॉन्स्टेंट है, तो हट जाएगा। और ऑटोमेटिकली क्यों हट जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल करने पर इसकी वैल्यू तो जीरो हो जानी है। ठीक है, तो हम करेंगे बात आपसे, देखिए इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपके सामने लिखा हुआ था माइनस का 4ah, तो गाइस वो क्या है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप डिफरेंशियल करेंगे जीरो होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके सामने हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल करने के बाद इस तरीके से आता है क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन सेकंड का हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या हमारे पास कंडीशन आती है, ये फाइंड हो के आती है गाइस। अब हमने क्या किया, एक वाई को तो यहीं रखा नीचे, इसको वाई स्क्वायर को हमने वाई क्रॉस वाई, मतलब वाई इंटू वाई कर दिया, तो एक वाई को रख लिया हमने इसके साथ में। क्यों रखा है वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने ये इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे हम कहाँ से, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो ये पुट करेंगे गाइस, तो देखिए जैसे हम पुट करते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास क्या फाइंड हो क्या रहा है। ये हमने जैसे वैल्यू पुट की, माइनस का साइन आगे लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लगा हुआ है ही। जब हमने मल्टीप्लाई किया आगे, तो देखिए हमारे पास जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा स्क्वायर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे वाई कहाँ पहुँचा दिया हमने, यहाँ पहुँचा दिया, माइनस का साइन लगा हुआ था आगे यहाँ पे, गाइस यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ, याद रखना, यहाँ लगाना छोड़ दिया है, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ, तो इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा गाइस। तो हमारे पास कंडीशन आती है निकल के ये, तो देख सकते हैं गाइस आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बात कर रहा है, इवेंट्स दे रखे हैं, एफ ई और एफ क्या है, दो इवेंट्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है माइनस पी ई माइनस एफ, तो ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। अब आप पूछेंगे कैसे होगा, तो देखिए आप देख सकते हैं ये इवेंट्स हैं गाइस। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, थोड़ा बहुत समझिएगा, बस आपको समझना है थोड़ा सा और कुछ नहीं करना। देखिए अगर आपके सामने ई दे रखा कोई सेट ए बी सी, और एफ दे रखा कोई सेट सी डी और ई, ठीक है ये दे रखा है गाइस। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करें, तो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास क्या बचेगा, ए और बी बचेगा। क्यों देख सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ई में से माइनस एफ को, तो ई ये है और एफ ये है, तो ई में से माइनस कर रहा हूँ मैं एफ को, मतलब कैपिटल, समझ पा रहे होंगे सेट है ये कैपिटल एफ क्या है, दूसरा सेट है, तो ई में से एफ को माइनस करूँगा। तो देखिए इनसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो कटता है काट देते हैं, लेकिन कॉमन पार्ट हटता है, जो हट जाता है फर्स्ट वाले में से, जिसमें से हम घटा रहे हैं उसमें से कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ सी और यहाँ भी सी है, तो सी हट जाएगा, बाकी कुछ बचे हुए एलिमेंट कॉम जिसमें से घटा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, ए और बी क्या हो जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखिए सेम इसी तरीके से हम करते हैं, तो ई हमने क्या ले रखा था, ए बी सी ले रखा था। अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूँ, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करूँ ई और एफ का, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहा था, एफ क्या मान रखा था हमने सी डी ई, तो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, सी निकलेगा दोनों में, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये निकला। तो ई में से अगर इसको घटाता हूँ, तो घटाइए आप, तो देखिए सी से सी हट जाएगा, तो हमारे पास फिर भी क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं गाइस, मुझे ये सबसे ईजी लगा इसलिए मैंने ये अप्लाई करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है कि डी आर एस, मतलब इसके सॉरी दिक्कोश जाए पूछ रहा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, इसके क्या होंगे इस वेक्टर के। तो गाइस आपको बता दूं इस क्वेश्चन में थोड़ा, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं हम, तो देखिए अगर मैं निकालता हूँ वेक्टर आर मोड, तो निकालेंगे क्या निकलेगा, टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, तो देखिए क्या बनेगा, ये ट्वेल्व ये निकलेगा, अंडर रूट ट्वेल्व। तो देखिए हमारे पास जब निकालेंगे तो टू अपॉन अंडर रूट ट्वेल्व, टू अपॉन अंडर रूट ट्वेल्व, और ये कहना माइनस टू अपॉन अंडर रूट ट्वेल्व। ठीक है, अब देखो ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वेल्व को लिख सकता हूँ गाइज फोर इंटू थ्री, तो फोर का स्क्वायर क्या होता है, इसका रूट लेंगे तो टू होता है, तो टू बाहर आ जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा थ्री,
तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस का 2 अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। देखिए 2 से 2 काटा, ये कट गया 1, तो 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आएगा। तो गाइज आपको देख पा रहे होंगे इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा, तो नन ऑफ दीज बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको बता दूं गाइज, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है करेक्ट ये है, तो लेकिन जब इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा आपके सामने, तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जब 3 होगा 2 की जगह, तब हमारे पास आंसर निकल के आएगा ये। आप फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने अच्छा खासा। देखिए एल कैसे निकालते थे, ए ए मतलब ये, बी मतलब ये, सी मतलब ये, तो ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता था। ऐसे ही एम निकालते हैं, एम में करते हैं क्या होता है, नीचे तो सेम रहता है लेकिन यहाँ हो जाता है बी। ऐसे ही एन निकालेंगे तो एन निकालेंगे लेकिन नीचे तो सेम होता है और यहाँ हो जाता है सी, तो आपने निकाला सी का होगा। अगर यहाँ 3 होता है गाइस, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर 2 ही लेके चलते हैं, तो हमारा नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आपके सामने ये फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि देन फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो गाइज ये होगा एफ डैश इज कंटिन्यूस। एफ डैश मतलब इसका डिफरेंशियल करेंगे और उसका अब तब चेक करेंगे कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप इसके सामने बात कर रहा है आपसे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू हो रहा है अंडर रूट ए इंटू बी इज ट्रू ओनली व्हेन, कब होगा ये ट्रू, देखिए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड वी इज नॉन पॉजिटिव, मतलब इनमें से कोई एक पॉजिटिव, सॉरी इसका एक जो क्या है एक नेगेटिव ना हो, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है कि इसमें से कोई भी नेगेटिव ना हो तब होता है। एक फ्रेंड्स ने भी मुझे, मतलब अभी मेरे यूट्यूब जब मैं पढ़ाता हूँ इस पर, तो एक स्टूडेंट ने बात कही थी कि ये फ्रेंड्स यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता है तो इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे कि और यहाँ आ जाएगा आईटा, ऐसे ही प्लस सॉरी इंटू बी आईटा, इस तरीके से कहा था उसने, तो वो करेक्ट था। ऐसे कर सकते हैं आराम से और यही करेक्ट होगा, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ माइनस का लगा हुआ तो गाइज ऐसे नहीं कर सकते मल्टीप्लाई में, आपको क्या करना होगा, जैसे ए है तो आईटा आएगा इंटू बी आईटा आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी होगा, आईटा का स्क्वायर होगा तो क्या होगा माइनस की 1 होती है वैल्यू, आईटा के स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आएगा माइनस का ए बी। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने रखा क्वेश्चन, इसके बारे में पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए, हमने इसे वाई के इक्वल मान लिया है, तो वाई के इक्वल माना तो ये 10 हमको यहाँ पहुँचा दिया, 10 इनवर्स में पहुँच गया इधर साइड में, जब इधर 10 इनवर्स में चला गया तो देख सकते हैं ये 2 था मल्टीप्लाई में, तो अपॉन 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ पहुँच गया मल्टीप्लाई में, तो ये आ चुका है। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस में, कॉस में ये फॉर्मूला होता है आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो कॉस से कॉस हट गया, इनवर्स से इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि थीटा ये है, इसके इक्वल होगा ये वैल्यू, तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, तो ये कंडीशन निकल के आती है। जब ये कंडीशन हमारे पास फाइंड हो गई, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचता है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है ये। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे अंडर रूट छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं उसमें अंडर रूट में नहीं है नीचे, तो हमने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। तो देखिए ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो देख सकते हैं जब हमने लगाया तो ये यहाँ का निकल के आएगा अपॉन में आएगा 4, और यहाँ पे इसके फिर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई इस पे से स्क्वायर हट जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, आपका आंसर आया 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो वैसे बता सकते हैं आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करना आपको बहुत ही आसान है, कर सकते हैं। देखिए एक 5 से एक 5 यहाँ से, सॉरी एक x से एक x काटेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन x की पावर 4। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो गाइस इसका डिफरेंशिएट आएगा माइनस का 20 अपॉन x की पावर 5, ये निकल के आएगा इसका डिफरेंशिएट। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, क्योंकि ये बोल रखा है ये गलत है, मतलब नन ऑफ दीज होगा इसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन गाइस जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से, ये ऐसे होगा तब आपका ऑप्शन मैच कर रहा है गाइस, ठीक है, इस तरीके से होगा, क्योंकि ये 5 की पावर में x होगा तब ही इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर पाएंगे, वरना जो जो हमारे पास इस तरीके से दे रखा, तो इससे तो एक काटने के बाद वही आएगा माइनस का 20 अपॉन x की पावर 5, आप यही आंसर करेंगे अगर ऐसे दे रखा है तो। लेकिन अगर आपके सामने दे रखा है इस तरीके से, तो आप दूसरा आंसर करेंगे, तो वो आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। तो भाई ये राम बोलते हैं राम सिंह यादव की बुक है जिसमें एस के पब्लिकेशन की, तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक आती रहती हैं। देखिए गाइस जब आपके सामने दे रखा हो इस तरीके से, तो आप कैसे करेंगे,
तो देखिए इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ माइनस में, आपने पढ़ा होगा आराम से इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आगे आ गया, आप जानते हैं पावर में ऐसे होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे पावर जो 5 था ऊपर जो पावर आ गया आगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, ऐसे लॉग में हम कंडीशन जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिया होगा, यहाँ क्या होगा, एक्स होना चाहिए था, तो हमने देखो इसका डिफरेंशिएट किया और इसका डिफरेंशिएट किया, दोनों का डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली हमने यहाँ रख रखा, आप खुद कर सकते हैं ट्राई। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो गाइज हमारे पास कंडीशन निकल के आती है, ये जो वाई था मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, तो ये पहुंच गया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू जो थी हमारे पास ये थी रखी थी, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपका आंसर देख सकते हैं कौन सा मैच करना चाहिए, ये आपके अकॉर्डिंग चलते हैं कौन सा आंसर है। तो गाइज इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखें तो आंसर होगा आपका बी, लेकिन जब जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि अगर आपके सामने इसी तरीके से दे रखा है एक्स की पावर 5, तो गाइज आपका होना चाहिए था माइनस का 20 अपॉन एक्स की पावर 5, जो कि आपके सामने होता है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है गाइज, इसमें समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या बोलना चाह रहा है, मतलब देखिए देन इसने पूछा मीन ऑफ थर्ड ग्रुप, तो मीन ऑफ थर्ड ग्रुप की पूछ रहा है और फर्स्ट कंबाइंड ग्रुप की दे रखा है, तीनों ग्रुप्स की कितने दे रखा है ये दे रखा है, लेकिन इसका मीन दे रखा है फर्स्ट टू का, ये दे रखा है 3, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम जब सेटिसफाई कर रहे हैं तो सॉल्व होकर नहीं आ रहा, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो देखिए इसके लिए आप अगर देखना चाहें इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस इसे मान लेते हैं एच, जैसा कि आप जानते हैं सेंटर क्या मान के चलेंगे इसके लिए, जीरो और एच, जीरो क्यों मानेंगे क्योंकि वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे उसका सेंटर है, तो मतलब एक्स की वैल्यू तो जीरो होनी है, तो वाई एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस पे मान लिया हमने सेंटर उसका एच, तो क्या होगा आके आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, तो देख सकते हैं हमने सेंटर माना ये और रेडियस मान ली आर, तो आपने जैसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी इसका डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमारे पास निकल के आता है ये गाइज, यहाँ वाई वन का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई टू का मतलब होगा डी वाई टू टाइम्स, और नीचे होगा एक्स स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, वाई वन का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, और वाई टू का मतलब होगा गाइज डबल बार डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे हमने किया, तो इस तरीके से लिख लिया, आगे हमने टू का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, तो इस तरीके से कर लिया अंदर, अंदर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या निकाला, इक्वेशन टू आया, ये इक्वेशन टू आया, इक्वेशन टू से हमने क्या निकाला, एच की वैल्यू फाइंड की, तो इक्वेशन टू से हमने एच की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आएगी, इससे हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया, और जो इक्वेशन टू थी इसका हमने क्या किया, नेक्स्ट अगली बार एक और बार डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होकर आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से पुट करेंगे एच की वैल्यू, तो जैसे ही हम इक्वेशन फोर में एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये होती है फाइंड, तो एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे इसे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होकर आएगी, यहाँ देख पा रहे हैं ये माइनस का ये प्लस का तो कट जाएगा आपस में, तो आगे देखिए सॉल्यूशन क्या, तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है ये, तो वैसे आपका यहाँ ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है सर्कल का, एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो सर्कल की रेडियस क्या आएगी, 1 आएगी निकल के, आप देख सकते हैं कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं, देख सकते हैं आपके सामने इक्वेशन दे रखी थी, हमने इसको क्या किया 16 से डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ये होती है सर्कल की, सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये होती है, तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 1 होता है, तो इसलिए 1 कोएफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 16 से, ठीक है। जब डिवाइड कर दिया तो आप देख रहे हैं कंपैरिजन करके हमने जी की वैल्यू निकाली, और ऐसे कंपैरिजन करके एफ की वैल्यू निकाली, तो जी और एफ दोनों निकाल दिए, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होता है माइनस का जी और माइनस का एफ, तो इसलिए सेंटर हमारे पास निकल चुका है, और रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, सी की कंडीशन सी भी हमने कंपेरिजन करके निकाल दिया, सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 9/16, तो जैसे हमने पुट किया गाइस तो देख सकते हैं इससे कट जाएगा, हमारे पास बचा 1, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, बता सकते हैं गाइस आपके रेडियस क्या आई 1 निकल के आई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म लगानी है हमें, देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया इसको माइनस जो होता है आप जानते हैं कॉट माइनस थीटा होता है, तो क्या करते हैं माइनस आ गया जाता है, कॉट थीटा बच जाता है, इस तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ लगाया, तो माइनस का साइन बाहर ले लिया, ये प्लस में कर दिया यहाँ पे, ऐसे ही माइनस का साइन इससे बाहर ले लिया, तो लेने के बाद देखिए इसे हम लिख सकते हैं आपके सामने, इसको क्या लिख सकता हूँ 360 - 45, आप आराम से लिख सकते हैं ऐसे ऐसे 360 + 45, ऐसे यहाँ देख सकते हैं 540 - आप समझ पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को, देखिए अब जब आप निकालेंगे देखिए ये क्या होता है,
एक तरह से हो गया 2π, और जानते हैं 2π माइनस का क्या है थीटा, तो 2π माइनस थीटा के क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन नेगेटिव होता है, तो टेन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि एक तो नेगेटिव पहले से लगा हुआ है साइन, और ऊपर से इसकी वैल्यू भी क्या आएगी टेन, नेगेटिव में टेन आएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझ पा रहे होंगे आप इसे। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या लिखा हुआ 2π यहाँ है, तो इससे ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा, तो इस क्वाड्रेंट सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या आया कॉट 45, ऐसे ऐसे देखेंगे, ये बन रहा देखिए यहाँ आ रहा है 3, क्योंकि ये देखिए ये होता है पाई 2π और फिर दोबारा से 3π, ठीक है 3π हो चुका है, तो 3π और कर रहा है ये माइनस का 45, तो 3π माइनस यहाँ कर रहा है, माइनस में यहाँ जा रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉट नेगेटिव होता है, और कॉट नेगेटिव होगा ऑलरेडी नेगेटिव साइन एक जहाँ लगा हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे यहाँ देखेंगे। अब देखिए इसकी बात करें तो यहाँ क्या आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 45, तो देख सकते हैं जब हमने इसको निकाला तो इसकी सबकी वैल्यू पुट करी तो आंसर निकल के आया 2। आपके सामने फॉर्मूला लिखी हुई है, इस फॉर्म से हमने सेटिस्फाई कराया इस क्वेश्चन को, तो वही बता सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने देखा क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन जो आपके सामने दे रखा है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इन सब का मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे क्या निकल के आता है, देख सकते हैं गाइस आपके सामने लिखा हुआ है, इन सबको मैंने क्या किया प्रोडक्ट किया सबका, सबका प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन फाइंड होकर आ रही है, धीरे धीरे करने के बाद अलग पहले इन दो का किया है, फिर इन दो का किया है, ये दो ये दो का, फिर इसका तीन और दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो मर्ज करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन निकल के आती है इक्वेशन ये। अब हम देखते हैं लास्ट में जो हमारे सामने दे रखा है क्या दे रखा है 96 नेगेटिव में, ठीक। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, अब देखिए कांस्टेंट क्या दे रखा था हमारे पास 96 था माइनस में। अब आप देखिए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर किसी भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट होगा जो दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट होगा जो आपके सामने दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का नेगेटिव, माइनस का 96 आ रहा है क्या किसी से, नहीं आ रहा गाइस। देखिए आप देखेंगे यहाँ बोलेंगे कि इसका उसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 96 तो आ रहा है गाइस, लेकिन ये आ रहा पॉजिटिव में, क्योंकि ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 16 है, लेकिन पॉजिटिव में नहीं, पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइस अगर आपके सामने, अगर लग रहा है आपको कि ये प्लस का होता तो आपके सामने क्या जाता माइनस का 96 आता, तो आपके सामने यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता। आप इसी को ट्राई कर लेते इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो इक्वेशन हमने निकाली है वही इक्वेशन फाइंड हो जाती इन दोनों फैक्टर्स से, तो आपका आंसर वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन में पहले भी हिंदी मीडियम में करा दिया है, इसमें पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब ए किसके इक्वल होगा। तो देखिए गाइस अगर ए की वैल्यू हम 1 पुट करें इसमें, देखिए ए की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं, करिए 1x माइनस, अब यहाँ कर रहा हूँ एक्स 1 अपॉन, यहाँ करूँगा एक्स 1, अब देखिए 1 की पावर 1, ये कंडीशन हमने कर दी यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन जो निकल के आ रही है हमारे पास, इसने बोला है हमसे अगर 0 पुट करने पर, अब अगर इसमें 0 पुट करें हम गाइस तो 0 पुट कर दीजिए, तो जैसे 0 लिमिट 0 पुट करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ 1 की पावर 0, मतलब किसी की पावर भी 0 होती है क्या होता है उसका मान 1 होता है, यहाँ 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा पूरा, यहाँ 0 पुट किया तो ये भी पूरा हट जाएगा, यहाँ क्या है 1 की पावर 1, तो माइनस का 1, तो 1 से 1 काटा तो हमारे पास निकल के आया माइनस का 1, तो आप देख सकते हैं माइनस, सॉरी ए की वैल्यू 1 पुट करने पर ही हमारा आंसर निकल के आ रहा है माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है वाई इक्वल टू दे रखा है जेड इक्वल टू दे रखा है, आपसे पूछ रहा है वाई डी वाई ओवर डी जेड किसके इक्वल होगा, देखिए फाइंड करके दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, अब हमने करना क्या था, हमने इसकी जगह पुट किया गाइस, देखिए एक्स की जगह मैंने 10 पुट किया है, तो एक्स की जगह 10 यहाँ पे पुट किया, 10 ही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो दोनों में हमने एक्स की जगह 10 पुट कर दिया, तो जब 10 पुट किया तो आप समझ सकते हैं यहाँ क्या बनेगा, ये 1 + 10² x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x होगा अंडर रूट की वजह से क्या होगा स्क्वायर हट गया, तो इसलिए क्या बचा है sec थीटा बचा हुआ गाइस, तो sec थीटा बचा हुआ है, ऐसे हमने यहाँ पुट किया। ये गाइस आप डायरेक्टली भी देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स x का होता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x का, तो हमने डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम पुट करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 10 पुट किया, ये फॉर्मूला होता है 10 2 थीटा का, 10 से 10 हट गया तो 2 थीटा बचा, अब 2 तो हमने आगे ले लिया, हमने क्या माना था x इक्वल टू माना था 10 थीटा, ठीक है, और थीटा इक्वल टू निकालेंगे क्या करेंगे 10 inverse x निकलेगा, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट दी 10 inverse x पुट कर दी, ठीक है, ये तो हो गया z की वैल्यू, अब हम निकाल लें यहाँ पे y की वैल्यू, तो ऐसे हमने पुट किया, तो हम क्या करेंगे साइन और कॉस, सॉरी साइन कॉस में ब्रेक किया, साइन कॉस में ब्रेक कर दिया हमने,
ये क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, और टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस पुट कर दिया, जैसे हमने सॉल्व किया आगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंडीशन फाइंड होती है ये, और आपने ये फॉर्मूला आराम से पढ़ा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वन और टू थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता था टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया है। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया गाइस। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से क्या किया, एक साइन से ये साइन कट जाएगा, तो हमारे पास टू से टू कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टेन टू ऑफ थीटा पॉइंट टू, तो टेन थीटा पॉइंट टू, तो ये क्या निकलेगा, टेन से टेन कट गया, तो थीटा पॉइंट टू, थीटा के लिए जस्ट हमने आपके सामने निकाल के दिखाई थी, ये निकल के आई। अब देखिए हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया, तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया तो हमारे पास निकल के आया ये कंडीशन, और डी जेड अपॉन डी डी एक्स फाइंड किया तो ये निकल के आया, तो दोनों निकल के आ गया। और हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डी वाई ओवर डी जेड फाइंड करना था, तो डिवाइड किया हमने डी वाई, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स हट गया, इसलिए यहाँ पे ये आया। अब जो दोनों को पुट किया गया, पहले ये रखी वैल्यू, उसके बाद ये रखी, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो सेम से सेम कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉइंट फोर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज हमारा आंसर निकल के आएगा वन अपॉइंट फोर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, इसका मान क्या होगा, देखिए अगर मान लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा कॉस डी एक्स डी टी, तो कॉस डी एक्स की जगह डी टी पुट कर दूंगा, और इसकी जगह पुट कर दूंगा टी, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बचेगा टी क्यू डी टी, इसका अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। तो देखिए टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन एक्स माना था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, देखिए इसको सॉल्व करके पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आपके सामने फाइंड करके दिखाते हैं अभी। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन दे रखा था हमने, ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी ट्वेल्थ क्लास में, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड का। जब कंपैरिजन किया तो आप देख सकते हैं पी और क्यू की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है ई पावर पी डी एक्स, ये होता है, तो पी की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन पुट कर दिया डी एक्स, तो देखिए निकाला तो हमारे पास निकल के आया ई की पावर एक्स। तो देखिए अगर आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है, वाई यहाँ होता है आई एफ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर और क्यू इंटू क्यू, इस तरीके से होता है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो देख सकते हैं इंटीग्रल फैक्टर हमने क्या है, e की पावर x निकला था, e की पावर x यहाँ रख दिया है हमने। अब हमसे क्या करेंगे, आईलेट से सॉल्व किया, तो आईलेट से सॉल्व करेंगे इसे, तो जैसे हमने आईलेट से सॉल्व किया तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है ये, और यहाँ समझ पा रहे होंगे आप, जो आपके सामने कंडीशन दे रखी है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो देख सकिए इसकी जगह पुट कर सकता हूँ मैं वाई इंटू ई की पावर एक्स, तो जैसे हमने पुट किया यहाँ वाई इंटू ई की पावर एक्स इंटू ये वाई पुट कर लिया, तो देखिए गाइज ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इधर लेके जाएंगे तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, तो प्लस प्लस के ऑप्शन जुड़ गए, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया टू ई की पावर एक्स आया, तो बाकी का ये बचा हुआ है हमारे पास। आप देखिए डिवाइड कर दिया हमने किससे, टू ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दिया, मतलब वाई इक्वल टू टू ई की पावर एक्स से डिवाइड किया, तो ई की पावर एक्स यहाँ थी जो कट गई, ऐसी यहाँ से काट दी गई, बचती हमारे पास ये इन्वर्स में ऊपर पहुंचा दी गई है, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो देख लीजिएगा। तो गाइस जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन, ये पेपर बहुत ही बोल सकते हैं टाइम लेने वाला पेपर है, बहुत ही हार्ड पेपर सा लग रहा है मुझे, और ऐसा पेपर आएगा तो आपको काफ़ी टाइम ले जाएगा ये गाइस, तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करिएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसने बोल रखा है ये इक्वल दे रखी है आपकी सभी कंडीशन, और आपके सामने इसकी ये कंडीशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन दे रखा था और आगे ये दे रखा हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन को लिख सकता हूँ मैं, आपके सामने जब भी लिखा होता है एम पे एन तो क्या लिखा जाता है इसे, इक्वल टू लिखा जाता है लॉग एन अपॉन लॉग एम, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे हमने इसे यहाँ पे लिख लिया है। अब देख सकते हैं इससे निकालेंगे हम ए इक्वल टू क्या निकलेगा, बी की पावर, देखिए ए की वैल्यू निकालना चाहूँगी दोनों को लेकर चलेंगे, किस किस को लेकर चल रहा हूँ मैं, ए और बी को लेकर चल रहा हूँ, तो हमारे पास निकलेगा बी की पावर वाई अपॉन एक्स, और जब हम लेके चले बी और सी को इन दोनों को, तो इस तरीके से निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जब हमने पुट की, हमने आपके सामने वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा ये कर दिए है, और सी की वैल्यू हमने जो यहाँ सी था सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो देख सकते हैं जब हमने पुट की तो आप जानते हैं आपके सामने लिखा हुआ लॉग ए की पावर एन, तो एन क्या हो जाता है आगे आ जाता है, तो क्या लिख देते हैं लॉग इस तरीके से लॉग ए, ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ लिख दिया है, ऐसे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जेड है ये गाइस टू नहीं है, तो देख सकते हैं ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि इक्वल है लॉग लॉग, तो
कट गए तो हमारे पास क्या बचा, वाई अपॉन एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा जेड अपॉन वाई। तो दोनों को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, यहाँ आया एक्स जेड। तो गाइज बता सकते हैं आपके सामने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन में, आपके सामने दे रखा है 3a इसकी वैल्यू, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन फाइंड करनी है इसकी। देख सकते हैं गाइज आपके सामने देखिए ये लिखा हुआ है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था जब आपके सामने दे रखा हो, ये मान लेते हैं ए दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी क्या होती थी वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस के टू के इक्वल होती थी, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ क्या थ्री दे रखा, तो ए की जगह थ्री पुट कर देंगे तो वही वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने निकाल लिया, ये वैल्यू निकाली हमारे पास सेवन निकल के आया। अब हमें ये पूछ रहा था इसकी वैल्यू, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है। तो जैसे हमने यहाँ पुट किया गाइस, तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल रखी ऑलरेडी सेवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कंडीशन हमारे पास फाइंड हुई, तो हमने क्या किया इसमें टू ही ऐड किया है अपनी तरफ से, टू ही सब्ट्रैक्ट किया है। और ऐड क्यों किया है देखिएगा, ऐड इसलिए किया है क्योंकि देखिए अब ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन चुका है, और इसकी वैल्यू हमें पता थी सेवन है, इसकी वैल्यू भी हमें सेवन है, सेवन सेवन का स्क्वायर करेंगे तो 49, और देखिए ये आपस में जुड़ गए तो माइनस कर दिया हमने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आया हुआ 322। तो गाइज बोल सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ए और बी दो दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, आपसे पूछ रहा है ये किसके इक्वल नहीं होगा गाइस। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन सही है, लेकिन ये ऑप्शन ये इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये भी हो सकता है इसका ब्रेक करने पर, ये भी हो सकता है इसका ब्रेक करने पर, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होता गाइस। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप इनको तो आपको कोई मतलब ही नहीं है इनको करने का, इससे पहले आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, देखिए ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा, देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, हमने क्या किया पहले अल्फा आई निकाला, अल्फा आई मतलब अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, आई की वैल्यू ये होती है, तो हमने अल्फा आई निकाल लिया। ऐसे बीटा ए निकाला, बीटा ए कैसे, ए की वैल्यू तो ये दे रखी थी हमारे पास, बीटा ए बी का बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इन दोनों को ऐड किया क्योंकि उसने ऐड कर रखा था। अब इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जैसे स्क्वायर किया तो गाइस हमारे पास निकल के आता है कंडीशन, ये कंडीशन निकल के आई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, क्योंकि ये हमने निकाल लिया है और इसे रख देंगे, इसके मान रख देंगे इक्वल इसके। तो जब हमने मान रखा इक्वल, तो देख सकते हैं इसको लिखेंगे जीरो के इक्वल और इसको लिखेंगे वन माइनस वन के इक्वल। तो रखा तो हमारे सामने निकल के आया अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू वन अपॉन टू, और ये हमारे सामने इक्वल फाइंड हो रहे हैं। तो जब इक्वल फाइंड हो रहे हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू, ये निकलेगी बीटा की वैल्यू। आप जानते हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं, तो यही बीटा की वैल्यू होगी, यही अल्फा की वैल्यू होगी। तो गाइज आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका एडजेसेंट क्या होगा। तो एडजेसेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं एडजेसेंट फाइंड करने के लिए, हमेशा इन दोनों के स्थान परस्पर चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर दीजिए, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा इन दोनों के स्थान चेंज कर दिए, और बाकी का जो लिखे हुए वो यूं होते रहते हैं, साइन थीटा, लेकिन इनके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है, बी। अब आप समझेंगे कैसे, सॉरी ए निकल के आ रहा ऑप्शन। तो देखिए अगर आपके सामने लिखा है वन टू थ्री एंड फोर, तो देखिए कैसे करेंगे इसे, इनके स्थान चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, फोर वन, ये तो आपके यहीं इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ये रहेगा टू और ये रहेगा थ्री, ये यहीं की यहीं रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो इस आप समझ पा रहे होंगे आप आसानी से, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा गाइस। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा इन दोनों का सम इक्वल होता है गाइस किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, इन दोनों का सम। तो देख सकते हैं इन दोनों का सम क्या दे रखा है, 144, और ए की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और ये रह जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या निकलेगा स्क्वायर, यहाँ 16 था, 16 चला जाएगा इसके डिवाइड में 144 के में, तो क्या आया 9 आया। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा 3, तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू क्या आई 3, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इसका मान क्या होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाने हैं हमें। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया हमने, ये जो दे रखा था क्वेश्चन, हमने क्या किया इसको लिया अलग, तो थीटा के इक्वल मान लिया, तो कॉस थीटा निकला हमारे पास 4/5, तो 4/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 4, हाइपोटेन्यूज ये, तो आराम से निकाल सकते हैं इसका परपेंडिकुलर, इसके हाइट निकाल सकते हैं, हाइट कितनी निकली 3 निकला, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है 3/4, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ठीक है, तब 3/4 कर दिया तो थीटा की वैल्यू निकाल ली। आप देख सकते हैं ये भी गाइस थीटा की वैल्यू थी और ये भी थीटा की वैल्यू, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं हमारा आसानी से, दोनों को इक्वल रख दिया हमने, तो दोनों को इक्वल रखा तो देख सकते हैं इसकी जगह हमें पुट करूंगा यहाँ से 10 3/10 inverse 3/4। तो जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास फाइंड होता है ये, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके सामने लिखा हो 10 inverse x + 10 inverse y, तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस 10 inverse x + y 1 - x * y। ये फॉर्मूला होता था गाइस, इन्वर्स यहाँ होता है, तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, तो ये मान लिया x, ये मान लिया वाई, तो दोनों को ऐड किया पहले और नीचे, समझ पा रहे हैं आप। एलसीएम लेने का जब हमने सॉल्व किया तो देख सकते हैं नीचे 12 ये कट जाएगा, तो हमारे पास आया 17/6, और देख सकते हैं ये आपस में हट जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आया 17/6। तो गाइस आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इसकी ई की वैल्यू पूछ रहा है, ई की वैल्यू क्या होगी, तो आपके सामने दे रखा है ये हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इसे कम इक्वेशन बनाएंगे। मेन इक्वेशन जो होती है आपके सामने कैसे होती है, x² a - b y² b = 1, तो ये फॉर्म में लेके आएंगे पहले। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, हमने क्या किया 144 से डिवाइड किया, ये क्वेश्चन हमारे पास जो मेन इक्वेशन होती है इस फॉर्म में लेके आएंगे पहले। देखिए 144 से हमने क्या किया, डिवाइड किया है, तो डिवाइड करेंगे देख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन फाइंड होती है एक ए स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू, तो आप जानते हैं ई की फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है b² + a² / b², तो ये वाले फॉर्म है, तो मीन्स क्या करेंगे डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू, तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकला 34/25 अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास निकल के आया √34/5। तो वैसे आप ऑप्शन की बात करें आपका ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है इससे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, एक स्पेयर दे रखा है इसकी रेडियस पूछ रहा है, तो स्पेयर का इक्वेशन दे रखी है, इसके रेडियस पूछ रहा है रेडियस क्या होगी, तो गाइस देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, आपके ऑप्शन में से करेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर आप खुद ट्राई करें तो कर सकते हैं, आप देखें कि इसी में से ऑप्शन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या आया निकाल के, ये बताते हैं आपके लिए, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने इक्वेशन ये दे रखी थी, हमने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, जब 3 से डिवाइड किया तो आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और जनरल इक्वेशन की बात करें तो मेन इक्वेशन ये हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन स्पेयर की, तो स्पेयर की हमने निकाल दी। तो कंपैरिजन करने के लिए देखिए ये क्या लिखा हुआ 2u है गाइस, 24 नहीं है ये 2u है, तो 2u का कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में, तो u और v और w सबका कंपैरिजन करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है सेंटर निकालेंगे, और c की वैल्यू कभी कभी क्या होता है यहाँ d लेके चलता है कोई या c लेके चलता है, तो आप c ले लो चाहे d ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कांस्टेंट है एक तरह से। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गाइस, तो देखिए रख सकते हैं वैल्यू इसमें, ये है u की वैल्यू, तो u का स्क्वायर, v का स्क्वायर और w का स्क्वायर, w की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो देखिए और क्या होता था माइनस का d, तो माइनस का d होता था या माइनस का c होता था, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या माइनस में 5 दे रखी है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, इसलिए तो हमारे पास निकल के आया 65/9, तो 9 का तो हमारे पता है क्या अंडर रूट होता है 3 होता है, लेकिन 65 का क्या अंडर रूट होगा, कुछ नहीं होता गाइस, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो हमारा आंसर रेडियस निकल के आया ये, तो जो कि आपके ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए हम आपको आंसर सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। और कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि PDF हमारे लिए प्रोवाइड करें, तो गाइस PDF के बारे में बात करें आपसे, तो PDF बनाने के बाद हम आपको बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे PDFs की।